संसार उनका होता है जो इसे फलदार वृक्ष समझकर जोर से हिलाते हैं और इसके फलों का आनंद लेते हैं। लेकिन इतिहास उनका होता है जो देवताओं की तरह अमृत नहीं शिव की तरह हलाहल पीते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए जीते हैं। ऐसे ही एक महान आध्यात्मिक विभूति थे भगवान के प्यारे लाल, राजयोगी ब्रह्मा कुमार सुंदरलाल। जिन्होंने गृहस्थ आश्रम का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया, जिन्होंने अनेकों को भगवान से मिलने का सुंदर मार्ग दिखाया, जीवन जीने की कला सिखाई और देवत्व की ओर चलने के लिए प्रेरित किया, आपका जन्म अविभाजित भारत में 2 अक्टूबर 1928 को झंगमदियाना, जो अब पाकिस्तान में है, के एक धार्मिक परिवार में हुआ। फिर 1956 में यज्ञ साहित्य की आधारशिला आदरणीय भ्राता जगदीश चंद्र जी के माध्यम से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और यहां के पूर्ण पावन एवं शुद्ध शांतिमय वातावरण में आपकी आध्यात्मिक पिपासा शांत हुई। लगातार 35 वर्षों तक आपने शिक्षा जगत में शिक्षक से लेकर प्रशासक तक के सफर में अपने दिव्य प्रतिभा की किरणों से दिल्ली के ग्रामीण एवं शहरी शिक्षा क्षेत्र को सफलतापूर्वक आलोकित किया। आपकी प्रशासकीय कुशलता, सूझबूझ, सामाजिक नैतिक व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण संबंधी परिकल्पनाएं उदाहरण मूर्त बनी। आप ब्रह्मा कुमारी की पवित्र जीवन शैली और देवताई गुणों की धारणा से इतना प्रभावित हुए कि आपने इस समाज को दिखा दिया कि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत व पवित्र जीवन शैली अपनाने के लिए घर बार छोड़कर जंगल में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि घर गृहस्थ में रहकर भी ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के आधार पर पवित्र कमल पुष्प समान जीवन जिया जा सकता है। 60 साल हो गए। 60 1960 में हुआ था शायद, है ना? तो बाबा की मदद इतनी है कि वो मुझे याद ही नहीं है कितना टाइम हुआ है, लेकिन बाबा ने असंभव को संभव तो किया, संभव के साथ सहज भी कर दिया। इस प्रकार विपरीत मान्यताओं वाले समाज में रहकर पवित्र शक्ति की दिव्य आभा को चारों ओर फैलाते हुए, अलौकिक क्रांति का बिगुल बजाते हुए, पुरानी सामाजिक अवधारणाओं को तोड़ने वाले युगल रूप में रहकर आपने अपने कार्य क्षेत्र पर ब्रह्मा कुमारी शुक्ला जी के साथ अपनी सेवा यात्रा शुरू की। प्राण प्यारे बाप दादा की कदम पर कदम रखने वाले सुंदरलाल जी का जीवन स्वच्छ दर्पण के समान था। आप में अर्पणम समर्पण नम की भावनाएं कूट कूट करके भरी हुई थी। आपका ईश्वरीय मर्यादाओं की तरफ विशेष ध्यान रहता था और आप एक ही लगन में सदा मगन रहते थे। दिल्ली की सेवाओं में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। आपने हरिनगर की सेवाओं में भी बहुत दक्षित होकर के सेवाएं की। कभी कभी आप बोला करते थे कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना को, बड़े प्यार से बोलते थे। और मैंने देखा बाबा मम्मा दीदी दादियां सुंदरलाल जी को बहुत आदर से और प्यार से सत्कार से देखती निहारती थी। और बाबा ने एक दिन कहा
उनको देखते ही इस महावीर ने एक बात में विजय प्राप्त की है, अगर सब बातों में विजय प्राप्त करेगा तो मैं इनकी फोटो अपने कमरे में रखूंगा। सुंदरलाल जी बहुत ही त्यागी और तपस्वी अटल निश्चय बुद्धि थे, यज्ञ स्नेही थे और सबके अंदर उमंग उत्साह हिम्मत के पंख लगाकर उड़ाते रहते थे। सबको बहुत मान और सम्मान देते थे, जिसके कारण सर्व दैवी परिवार का उनके प्रति बहुत प्यार था, स्नेह था। आप देखेंगे 93 ईयर की आयु में भी उनके अंदर रूहानियत की आभा उनके चेहरे और चलन से दिखाई देती थी। मीठी मुस्कान और उनका अनुशासन, बहुत शिष्टाचार पर बोलना सबको बहुत प्रिय लगता था और बाबा की तरफ आकर्षित करता था। उन्होंने हम बहनों को बहुत ही उमंग उत्साह और हिम्मत के पंख लगा करके उड़ाया और बहुत आशाओं के दीप जगाकर आगे बढ़ाया है। ऐसी महान आत्मा जिन्होंने हमारे जीवन को उज्जवल किया, प्रकाशित किया, मैं उस आत्मा को बहुत मंगलमय कामनाओं के साथ बहुत प्यार से दिल से शुक्रिया अदा करते हुए नमन करती हूँ। ओम शांति। सरकार जो साथी सुंदरलाल रह रहे हैं उसको भी मैं जानती हूँ, वंडरफुल है, ऐसे लगता ही नहीं है ये कोई दोनों साथी है। वो अपने मस्ती में मस्त है, ये अपनी सेवा और धारणा, सेवा धारणा से अच्छी हो जा रही। धारणा माना ऐसे गुरु धारण करना है जो शांति धाम बाबा के साथ जाके सुख धाम में आकर के अच्छा पद पाएंगी, ये गारंटी। दिल्ली ईस्ट पटेल नगर सेवा केंद्र शुरू करने के निमित्त बने। फिर कुछ समय के बाद सुंदरलाल जी ब्रह्मकुमारी संस्था में मीडिया विंग में दिल्ली प्रदेश के मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे। उसके बाद मानव कल्याण आध्यात्मिक संस्थान नामक संगठन बनाकर हरिनगर सेवा केंद्र का श्री गणेश किया, जहां से मीडिया विंग, एजुकेशन विंग, सिक्योरिटी विंग इत्यादि की विशाल सेवाएं आज भी जारी हैं। वर्तमान समय हरिनगर स्थित यह मानव कल्याण भवन दिल्ली प्रदेश के तीनों विंग्स का प्रादेशिक कार्यालय है। दिल्ली और हरियाणा में हरिनगर सेवा केंद्र के निर्देशन में 125 से भी अधिक सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र आध्यात्मिक सेवाओं में तत्पर हैं, जहां पर 250 समर्पित बहन भाई अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हजारों विद्यार्थी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। भ्राता सुंदर लाल जी की सेवा, समर्पणता और सत्य निष्ठा का ही परिणाम आज अनगिनत शाखाओं वाले हरे भरे वृक्ष के रूप में दिखाई दे रहा है। भ्राता जी ने जिस नन्हे से बीज को बोया था, उसने आज विशाल वटवृक्ष का रूप ले लिया है। ऐसे चरित्र के धनी, दिव्य गुणों की खान, ईश्वरीय प्रेम में मग्न भ्राता सुंदरलाल जी ने 17 मई 2021 को 93 वर्ष की आयु में अपने भौतिक देह का त्याग कर अपनी नई रूहानी यात्रा पर अग्रसर हो गए। अंतिम अवस्था में भी आपके चेहरे की रूहानी अलौकिक आभा दिव्य फरिश्ते का आभास करा रही थी। मुझे आपको ये बताते हुए गर्व की महसूसता हो रही है कि मेरा परम आदरणीय, परम श्रद्धेय सुंदरलाल भाई साहब के सानिध्य में 45 वर्ष रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ और मैंने पाया कि आपका जीवन बहुत ही सरल था, ईजीली अप्रोचेबल था। कोई भी बहन भाई आपसे प्रेम से आकर बातचीत करके रूहानी दृष्टि प्राप्त कर
स्वयं को भरपूर महसूस करता था और आपके लिए बहुत सारी दुआएं देकर जाता था। दूसरा, मैंने देखा कि आपका जीवन बहुत मर्यादित और अनुशासित था। सवेरे से लेकर शाम तक आपने जो मधुबन से दिनचर्या मिली है उसी को ही आप फॉलो करते थे, और साथ ही आपका किसी भी चीज़ में, खाने में, पहनने में कोई विशेष आकर्षण नहीं था। जो भी यज्ञ से बनता था उसे प्रभु प्रसाद महसूस करते हुए सदा उसको दिल से स्वीकार करते थे, और जो भी यज्ञ से कपड़े मिलते थे उसको प्रेम से स्वीकार करते थे। तो ऐसा विशेष तपस्वी जीवन, विशेष योगी जीवन कैसा होना चाहिए, ये हमें आपके साथ रहकर हमें महसूस हुआ, प्राप्त हुआ। तो ऐसे विशेष तपस्वी योगी आत्मा को मैं दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ओम शांति। प्रदर्शनी हुई थी, बहुत सफर हुई थी, दोनों ने जाकर के बाद तैयारी की और माता का मंदिर है वहाँ, दुर्गा माता का, उसके हॉल में की थी प्रदर्शनी। काशमणि दादी, बड़ी दादियाँ सभी, जगदीश भाई, रमेश भाई, उषा बहन, सब लोग वहाँ आए थे शिमला में। बॉम्बे से पूरा ग्रुप आया था। तो बड़ी सक्सेसफुल प्रदर्शनी रही थी, और उस समय वहाँ डेप्टी स्पीकर थे जो, उन्होंने उद्घाटन किया था। तो सुंदरलाल भाई को थैंक्स है, बहुत ध्यान रखा मेरा उस समय। क्या सुना आपने, बहुत ध्यान रखा मेरा उस समय। अच्छा, आदरणीय भ्राता सुंदरलाल जी, जिनका लौकिक नाम सुंदरलाल जुनेजा था, आप दिल्ली की सेवाओं के आदि रत्नों में से एक है। जब दिल्ली में सेवाएं शुरू हुई थी तो उसमें हमारे मुख्य भ्राता जगदीश भाई जी थे, जगदीश चंद्र हसीजा, और सुंदरलाल जुनेजा जी और जगदीश चंद्र हसीजा जी, आप दोनों क्लासमेट थे। जब ये बीएड की पढ़ाई कर रहे थे जामिया मिलिया दिल्ली में, तो दोनों का आपस में संपर्क हुआ था, दोनों ही ब्रह्मा कुमार बने, और उसके पश्चात जब दिल्ली में सेवाएं शुरू हुई तो हर मास, मुझे याद है एक मासिक मीटिंग हुआ करती थी सेवाओं की, या ये यूँ कहें पीरियडिकल मीटिंग्स होती थी। तो उन मीटिंग्स को राजा सुंदर लाल जी ही संचालन करते थे। उनका एजेंडा बनाना, उसके सारे प्रोग्राम करना, ये सुंदर लाल जी किया करते थे। और मैं भी, जब मैं तो वैसे जॉब करता था भाखड़ा नंगल में, फिर भी दिल्ली में मैंने कई ऐसी मीटिंग अटेंड की हैं। भ्राता जी बहुत खुश मिजाज थे, मिलनसार थे, और वो मीटिंग बहुत ही एक स्नेहपूर्वक पारिवारिक रूप से हुआ करती थी। उसके बाद जैसे उनकी आयु बढ़ती गई तो फिर उसके बाद वो अपने योग तपस्या और इस प्रकार की अपने, जिसको कहते हैं अलौकिक जीवन को लीड करने लग गए। बड़ी खुशी की बात है कि आपने अपने योग बल से, पवित्रता के बल से 93 इयर्स तक आपने शरीर को धारण किया ब्राह्मण रूप से, और 93 इयर्स की मैच्योर आयु में, मेरे ख्याल हम सब में वो सबसे बड़ी आयु उन्होंने पाई, और वो अपना देह त्याग करके बाबा के अगली सेवा में लग गए। आज हम उनको अपने हृदय से श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करते हैं। आपका दिव्य जीवन दर्शन, प्रेरणादायी अखंड ब्रह्मचर्य, सरल निर्लिप्त मधुर चेहरा, अचल और अडोल स्थिति, हमारे लिए आशा का दीपक एवं लाइट हाउस बनकर सदैव हमारे दिलों में जगमगाता रहेगा।
आप आगे आगे, हम आपके पीछे पीछे। और ले जाने वाला कौन? शिव बाबा। वो कहाँ है? ये बहन, ये बगल में शिव बाबा। अच्छा, उधर है शिव बाबा। बाबा कहता है सदा मुस्कुराते रहो, ठीक है, खुश रहो, आबाद रहो। सुनो।